अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हुसैन फ्रॉम टेक्निकल हुसैन सिद्धू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन को PTA से रजिस्टर्ड कर सकते हैं और PTA से रजिस्टर्ड क्यों करना चाहिए। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे कि अगर आप PTA से अपने एंड्रॉयड डिवाइस को या किसी मोबाइल फ़ोन को PTA से रजिस्टर नहीं करते हैं तो PTA के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो आपकी डिवाइस को बंद कर सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिवाइस बंद ना हो या ये जानना चाहते हैं कि ये रजिस्टर है कि नहीं है, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो में चल के मैं आपको चंद छोटे स्टेप बता रहा हूँ जिसके ज़रिए आप अपनी एंड्रॉयड डिवाइस को इजीली घर बैठे आराम से जो है रजिस्टर करवा सकते हैं PTA से। तो यार, वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए बहुत टेक्निकल वीडियोज़ जो हैं वो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने मोबाइल पर वो नंबर डायल करने वाली जो कमांड्स होती हैं उनको ओपन कर लें, डायल में आ जाएं। और डायल में आने के बाद आपने एक छोटा सा कोड डायल करना है, यहाँ पे वो है *8484#। सॉरी, जब आप ये 8484# को डायल कर लेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस शो होगा कि वेलकम टू मोबाइल डिवाइस रजिस्ट्रेशन सिस्टम, प्रेस 1 फॉर इंग्लिश और रोमन उर्दू के लिए 2 दबाएं। तो हम 2 दबा देते हैं, अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं इंग्लिश में देख सकते हैं, 1 दबा कर। फ्रेंड, जब हम नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो ये आ गया, मेन्यू मोबाइल रजिस्ट्रेशन करने, रजिस्ट्रेशन स्टेटस जानिए, यानी अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका स्टेटस क्या है, रजिस्टर्ड है कि नहीं, तो आप 2 के थ्रू इजीली कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं मोबाइल रजिस्ट्रेशन करने के तरीके की। तो हम 1 प्रेस कर देते हैं। 1 प्रेस करेंगे तो आपके सामने 2 कमांड आ जाएगी कि आप पाकिस्तानी हैं या गैर मुल्की हैं और वीज़ा पर सफ़र करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप गैर मुल्की हैं तो आप 2 सेलेक्ट कर लें। अभी हम जो हैं वो 1 सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तानी मुकामी। इसको करने के बाद दोबारा हमारे पास 2 कमांड आ जाएंगी कि बैनुल अक़वामी रजिस्ट्रेशन है, यानी कि मुसाफिर वगैरह हैं, या आप जो हैं मुकामी हैं। तो हम मुकामी को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड, यहाँ पे कमांड आ गई है कि आप जो है अपना CNIC नंबर या NICOB नंबर को दर्ज करें। यहाँ पर हम अपना CNIC नंबर दर्ज कर देते हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो CNIC नंबर दर्ज करने के बाद ये हमें IMEI की पूछेगा कि 1 IMEI आपका मोबाइल जो है 1, 2 या 3 है। तो इधर हम 2 कर देते हैं, 2 IMEI वाला। तो फ्रेंड, इधर आप देख सकते हैं कि अब जो है हमारे पास कमांड आ गई है कि अपनी पहली IMEI दर्ज करें और दूसरी IMEI दर्ज। तो फ्रेंड, जब हम अपनी IMEI नंबर को दर्ज कर देंगे तो जो हमारी रिक्वेस्ट है वो सेंड हो जाएगी और आपका जो मोबाइल है वो PTA से रजिस्टर हो जाएगा, अगर आपने तमाम डिटेल्स जो हैं वो करेक्टली एंटर की हैं। तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आएगी और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू।